दोस्तों नमस्कार, मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम एक नया HD बॉक्स लाए हैं जो फ्री DTH है। यह फ्री डिश है और HD बॉक्स है। यह देखिए इसका डिब्बा, ऐसा इस डिब्बा में पैकेट आया था। यह फुल HD है, यूट्यूब है, वाईफाई कनेक्टेड है। तो इस DTH को हम ऑटो स्कैन करने का विधि सीखेंगे। यह थोड़ा सा यह जो DTH बक्सा है यह हर HD बॉक्स से थोड़ा सा भिन्न है और अलग किस्म का है। इसमें आपको सीरियली चैनल भी सेट करने का विधि है, मूविंग सेट करने का, और 1x1 चैनल डिलीट करने का भी विधि इसमें है। तो दोस्तों अब देखिए ये HD बॉक्स है। ये देखिए यहाँ HD केबल लगेगा, इसमें USB लगेगा यानी मेमोरी कार्ड लगा के आप इसको चला सकते हैं। ये भी कोड है। यहाँ एंटीना का तार कसाता है, तो हमने सारा कुछ इसमें कस दिया है। और एक USB कोड, USB मेमोरी लगाने का जगह आगे भी है यहाँ। तो इसको हम आज ऑटो स्कैन करने का विधि सीखेंगे। और ये देखिए इसका ये रिमोट है। दोस्तों ये रिमोट ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये हर HD बॉक्स से यह रिमोट भी इसका भिन्न है और बहुत ही अच्छा इसका सेटिंग है और एकदम सिंपल सेटिंग है। तो इसको विधि में इसका ऑटो स्कैन करने का विधि हम आपको बताते हैं। और ये देखिए इसमें HD कोड भी दिए हुए है। AB कोड की जगह इसमें HD कोड दिया है। तो चलिए अब हम TV और DTH दोनों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑटो स्कैन हम इसको कैसे करेंगे। ये देखिए हमारा DTH चालू हो गया है। और जब इसमें सिग्नल आ जाता है, चैनल चलने लगता है, तो ये देखिए यहाँ एक मोबाइल के तरह टावर दिखाएगा, ब्लू कलर का 3 टावर दिखा रहा है। तो दोस्तों यही HD बॉक्स, इसको हम ऑटो स्कैन करेंगे। तो दोस्तों इसको सेटिंग करने के लिए, ऑटो स्कैन करने के लिए सबसे पहले ये जो चैनल चल रहे हैं इसको हम डिलीट करते हैं। बाय द वे आपका चैनल ऑटो स्कैन करना हो इस बॉक्स को तो कैसे करेंगे, तो इसका सेटिंग सीख लीजिए। तो हम रिमोट से मेनू बटन दबाएंगे, ये देखिए, और यहाँ देखते हैं ये बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे, यही इसका फंक्शन है। दोस्तों बाएं जाकर देखते हैं, ये देखिए चैनल लिस्ट, उसके आगे इसमें यहाँ सेटिंग है, उसके आगे ये देखिए यहाँ USB चलाने के लिए विधि आता है प्रोग्राम सेटअप का, और यहाँ से ये है, और यहाँ के बाद देखिए वाईफाई और 3G कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम इसको ऑटो स्कैन करने का विधि सीखेंगे। तो हम सबसे पहले TV के चैनल लिस्ट में जाएंगे और रेडियो चैनल लिस्ट नीचे है। यहाँ आने के बाद हम डिलीट ऑल में जाएंगे नीचे, और ये सारे चैनल को डिलीट करने के लिए हम ओके बटन को दबाएंगे। तो ओके बटन जब दबाएंगे तो यहाँ एक कोड नंबर मांगेगा। दोस्तों यह जो बक्सा है, यह कोई भी चाहे कि आसानी से हम डिलीट कर दें इस चैनल को, तो डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड इसका है 40, मतलब 4 बार 0 दबाना पड़ेगा एक साथ, 40। तो देखिए हम 0 यह दबाते हैं, 4 बार 0 दबाएंगे, यह पासवर्ड इसका खुल जाएगा, 1 2 3 4। यह देखिए पासवर्ड खुल गया। अब हम बाएं बटन दबा के यस पे लाएंगे और ओके बटन दबा देंगे। तो जब ओके बटन दबा देंगे तो इसका जो सारे चैनल है इस बॉक्स में वह सभी डिलीट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, चलाकर बैक जाते हैं मेनू से। तो देखिए जब मेनू से हम बैक कर रहे हैं तो यहाँ लिख रहा है नो प्रोग्राम ओके। तो अब नो प्रोग्राम ओके लिख रहा है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद ये सैटेलाइट लिस्ट है तो हम यहीं रहेंगे, और यहाँ रहने के बाद हम पुनः एक बार ओके बटन को सैटेलाइट लिस्ट में हम खोल कर ओके बटन दबाएंगे। जब ओके बटन दबाएंगे तो ये देखिए मेरा 4 ऑप्शन खुला। तो यहाँ देखिए एडिट, यहाँ एडिट, और ये डिलीट, और ये ऑटो स्कैन, यही है ऑटो स्कैन। तो दोस्तों ऑटो स्कैन में यह ब्लू कलर का है, तो ये देखिए यहाँ लाल है, हरा है, पीला है और ब्लू है। तो इसमें भी लाल रिमोट में भी, हरा,
पीला और ब्लू है, जो जो कलर का मांग रहा है। मान लीजिए कि हमको ऑटो स्कैन करना है तो हम ऑटो स्कैन पर जाएंगे। ये देखिए, हम ऑटो स्कैन के लिए ब्लू बटन को प्रेस करेंगे या ब्लू बटन दबाएंगे, ये ऑटो स्कैन में आ गया। अब यहाँ से दोस्तों दो किस्म का ऑटो स्कैन हो पाएगा, कर पाते हैं। यहाँ सर्च है, सर्च पे हम लोग क्लिक है, यहाँ देखिए फुल स्कैन है। आगे हम बढ़ाते हैं, यह फुल स्कैन और एक होता है ब्लिंड स्कैन। तो ये दोनों में ऑटो स्कैन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फुल स्कैन में ही सर्च कर कर दिखाते हैं। और यहाँ नीचे आते हैं और ऑटो स्कैन करने के लिए हम ओके बटन को दबाएंगे। तो जब ओके बटन दबाएंगे तो ये देखिए मेरा टीवी का चैनल और रेडियो चैनल दोनों चैनल आना शुरू हो गया है। और यह देखिए यहाँ एक लाइनिंग चल रहा है 100% का। तो यह पूरा नहीं चलेगा, यह चैनल लोड होके स्थिर हो जाएगा। तो देखते हैं चैनल कितना लोड होता है इस पर। दोस्तों जब तक चैनल लोड हो रहे हैं तब तक हमारे चैनल को लाल कलर से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें ताकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों अब यह चैनल मेरा नहीं आएगा, 176 चैनल और 52 चैनल रेडियो चैनल आ गया है। यहाँ हमको रहने के बाद अब फालतू का चैनल आएगा जो नहीं हम देख पाएंगे नहीं चला पाएंगे। तो हम यहाँ आने के बाद हम इसको मेनू बटन दबा के रोक देंगे और सेव कर लेंगे, नहीं तो यही चैनल दोबारा इस DTH में लोड हो जाएंगे। इसका यही सिस्टम है। तो देखिए हम मेनू बटन को दबाते हैं, यह देखिए, और हम बाएं बटन दबा कर यह बाएं बटन दबा कर यस पर आएंगे। यस पर आने के बाद हम ओके बटन दबा देंगे तो यह चैनल मेरा जो है दो बार ओके फिर से ओके मांग रहा है, तो फिर ओके दबाएंगे तो यह देखिए मेरा चैनल जो है DTH में आ गए हैं। अब यह चलना शुरू हो गया है। दोस्तों अब आपको यह तो हम फुल स्कैन किए थे और ब्लिंड स्कैन में भी करके आपको दिखा देते हैं। तो ब्लिंड स्कैन करने के लिए हम एक बार पुनः ओके बटन मेनू बटन प्रेस करेंगे और ओके बटन फिर यहां दबाएंगे और ओके बटन दबाने के बाद फिर यहां ब्लू बटन दबाएंगे और ऑटो स्कैन मोड में जाएंगे। और यहां आने के बाद ये देखिए यह जो फुल स्कैन है इसको हम ब्लिंड स्कैन करते हैं और ओके नीचे आकर फिर ओके बटन सर्च पर ओके बटन दबा देंगे तो यह जो है चैनल मेरा लोड होना शुरू हो जाएगा। उसमें नीचे से एक लाइनिंग सर्च का दिखा रहा था, इसमें लाइनिंग आपको सर्च का नहीं दिखाएगा, केवल चैनल ही आपको नजर आएगा कि चैनल लोड हो रहे हैं। देखिए यह चैनल आ रहे हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको चैनल ज़्यादा ही अच्छा लगता है वह आप ऑटो स्कैन कर लें। ये देखिए हमारे सारे चैनल आ रहे हैं। दोस्तों एक बार जब तक चैनल लोड हो रहे हैं तब तक आप वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें ताकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इससे करने से हाँ आपको न कुछ मिलेगा ना हमको कुछ मिलेगा, हमको केवल यही होगा कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े और हमारा हौसला अफजाई होगा ताकि हम नए वीडियो आपके लिए फिर से बनाएं। तो चैनल हमारे लोड रहे हैं। दोस्तों इसमें हम चैनल सीरियली भी सेट कर सकते हैं और चैनल 1x1 डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें वैसा भी फंक्शन है। तो उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में आपको वह विधि बता दूंगा कि हम इसमें सीरियली चैनल कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कोई चैनल मेरा 1 नंबर पर है उसको हम 2 नंबर पर, या कोई चैनल मेरा 20 नंबर पर है उसको हम 1 नंबर पर कैसे चलाएंगे और कैसे सेव करेंगे, और जो हमें चैनल नहीं चाहिए उस चैनल को हम कैसे डिलीट करेंगे, इससे वह विधि आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों 177 चैनल, उसमें भी इतना ही आया था, यह चैनल मेरा आ गया है फुल। अब हम छोड़ देंगे तो यह दोबारा लोड होने लगेगा फिर वही चैनल, तो हम मेनू बटन दबा के इसको रोक देते हैं। और यह देखिए हम फिर से यस पर आएंगे बाएं बटन दबाकर और ओके कर देंगे। तो जब ओके करेंगे तो हम पुनः एक बार ओके करेंगे और ये देखिए मेरे जो चैनल है DTH में सेव हो गए हैं। तो जब चैनल हमारे DTH में सेव हो गए हैं तो देखते हैं 1 नंबर पे कितने चैनल आया है, इसमें 2 बार एक ही चैनल लोड हुआ है, 187 चैनल।
और फर्स्ट जो लोड हुआ था वह चैनल डिलीट हो गया। तो दोस्तों यही है इसमें ऑटो स्कैन करने का विधि। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।